The recommended concentration of fluoride ion in drinking water is up to 1 part million, as a fluoride ion required to make teeth enamel harder by converting calcium phosphate or calcium hydroxide. तो यहाँ पर हम इसे देख रहे हैं, to recommended concentration of fluoride ion drinking water is up to 1 part per million. 1 part per million तक का जो कंसेंट्रेशन होता है किसका, फ्लोराइड आयन का, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए अप्रिशिएबल है, मतलब वहां तक की अपन ले सकते हैं, लेकिन उस लिमिट के बाद में कैल्शियम फ्लोराइड है, जो फ्लोराइड आयन्स है वो किसका, जो हमारा यहाँ पर बना है कि बाय कन्वर्टिंग टू मेक टीथ एनामल हार्डर बाय कन्वर्टिंग, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमारे पास में क्या है, Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टाइट है, तो ये जब फ्लोराइड आयन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा Ca3PO4 ट्वाइस Ca F2, तो ये फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हार्डन हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट ही रहेगा यहाँ पर, बट हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा, बी क्यों नहीं होगा, कैल्शियम फ्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम फॉस्फेट है, इसका लेटेस्ट एनर्जी क्या है, हाई है, तो यहाँ रिएक्शन हम जब करेंगे फ्लोराइड का साथ में तो हम किसके साथ में करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो फ्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, CaF2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा।